हेलो फ्रेंड, मैं निशित कुमार पटेल, एडवाइजर ऑफ केयर इमिग्रेशन एंड वीजा सर्विसेज, एक दफा फिर हम आपके साथ जुड़े हैं एक और हमारे डिपेंडेंट वीजा को लेके। ये डिपेंडेंट वीजा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जो स्टूडेंट यानी या फिर वर्क परमिट के बेस पर कैनेडा में है और वो अपने स्पाउस को बुलाना चाहते हैं वहां पर, और उनके स्पाउस हो सकता है इंडिया में हो, कहीं यूके में हो, या फिर इंडियन सिटीजन होने के बावजूद इंडिया के अलावा कोई कंट्री में रह रहे हो, तो उनकी फाइल कैसे की जाती है, उनका मेडिकल कहां पर होगा, उनका मेडिकल इंडिया में होगा, इंडिया से बाहर होगा, उनका बायोमेट्रिक कहां होगा, इंडिया में होगा, इंडिया से बाहर होगा, तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस होने के बावजूद केयर इमिग्रेशन की टीम ने सक्सेसफुली डिपेंडेंट वीजा करवाया है। ऐसे ही केस के साथ आगे की बात करेंगे उनके ही साथ। दोस्तों, वीडियो से जुड़े रहिए। मेरे साथ है मायसेल्फ हर्ष ठुमर फ्रॉम जूनागढ़, एंड मीनवाइल आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माय मास्टर्स इन डेटा साइंस एंड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी बैंगलोर व्हिच वाज लोकेटेड इन यूके, एंड वी एंड माय वाइफ जस्ट गॉट मैरिड ऑन 3rd June 2022। आफ्टर दैट आई वाज इन इंडिया फॉर अ मंथ, and meanwhile that time I just complete my medical in India, and after that in September in September we have just filed my spouse open work permit visa for Canada by care immigrations, and after that my biometric was located to me, and I have just provide my biometric in UK VFS. After that we and the care immigration tried too well to coordinate with each other, and finally I got my open work permit visa, and I'm now moving to Canada. Great, thank you. देखिए, हर्ष ने बताया आपको, और उनसे पूछ के हम आपकी क्वेरी को और आसान भाषा में समझते हैं। हर्ष, जैसे आपने बताया हमारे व्यूअर्स को कि 6 तारीख को आपका मैरिड हुआ, 3rd of June, उस टाइम पर आप मैरिज करने के लिए लंदन से आए थे। आप ऑलरेडी वहां पर स्टडी कर रहे थे, या यू आर इन स्टूडेंट वीजा इन यूके, यू आर कीप स्टडी और मैरिज करने आप आए, मैरिज करके आप वापस गए। तो उसी टाइम पर मेरे को याद है थोड़ा बहुत, आप रफली हमको मिलने आए थे क्योंकि आप हरी में थे वापस जाने के लिए सितंबर में, राइट, जब हमने फाइल रखी, आपके पास टाइम नहीं था, है ना। फिर आता है मेडिकल तो आपने इंडिया में से कर लिया। हाँ। फिर आता है बायोमेट्रिक, तो बायोमेट्रिक के लिए अपॉइंटमेंट में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आपको तुरंत वहां पर स्टडी अपना रिजॉइन करना था, तो आप वहां पे गए, तो आपका बायोमेट्रिक यूके से करवाया हमने, और ये सारी चीज एक ही फाइल में इकट्ठा हुई। उसमें कहीं आपको कोई दिक्कत हुई? नहीं, कुछ नहीं हुई, क्योंकि जब भी हमने फाइल किया दूसरे दिन उन लोगों ने बायोमेट्रिक का जो लेटर कंफर्मेशन आता है बायोमेट्रिक अपडेट करने के लिए वो उन लोगों ने भेज दिया। अच्छा, फिर वापस आप लोगों ने मेरे को एक डेट चूज करने के लिए बोला, तो वहाँ पे क्या रहता है कि उतना बायोमेट्रिक का रश नहीं रहता, नेक्स्ट डे ही मुझे बायोमेट्रिक का अपॉइंटमेंट लेटर आ गया, और आप वहाँ पर अपने बायोमेट्रिक दे दिया, और वो आपकी फाइल के अंदर ऑटोमेटिक यहाँ पर अपडेट भी हो गया। बहुत बढ़िया। आपकी वाइफ है ना, उसको हमने ही कनाडा में भेजा हुआ, अब आपको भी भेजते ही उसके साथ है, और आपका फाइनली आज ओपन वर्क परमिट आ गया। तो मैंने सुना है आप यहाँ पर दोनों साथ में आए हैं और अभी साथ में वापस जाएंगे, साथ में वापस। तो ये जो फीलिंग होता है ना, क्या न्यूली मैरिड हो और फिर उसमें आता है एक, आप यूके में पढ़ रहे थे, वो कनाडा में पढ़ रही थी, उसके बाद उसका वर्क पर, तो आपको लगता था कि इतना स्पीडली और इतना अच्छी तरह हो जाएगा? नहीं, मैंने नियरली सोचा था कि एक साल तकरीबन चला जाएगा, क्योंकि ये कोविड का जो पेंडेमिक चल रहा है उसके वजह से थोड़ा डिले भी हो सकता है, बट जैसा सोचा था वैसे ही हो गया, सब फास्ट हो गया। तो आप अगर अभी हमको रेटिंग देने हो हर्ष 10 में से, तो आप कितने मार्क देंगे हमको? आई विल गेट 10 आउट ऑफ 10। बहुत बढ़िया। देखिए, हर्ष प्रोवाइड अ 10 आउट ऑफ 10 फॉर डिपेंडेंट ओपन वर्क परमिट। चलिए हर्ष को उसका ओपन वर्क परमिट का वीजा दिखा देते हैं, जो बहुत वेटिंग होता है, जो कपल जो मैरिड होते हैं उनका एक कोई यूके में होता है, कोई कनाडा में होता है, उनको वहां पर जाना होता है, अपने स्पाउस के साथ उनका रहना मोटिव होता है, उनके लिए बहुत ही ये इंफॉर्मेटिव रहेगा। तो दिस इज योर वर्क परमिट। थैंक यू।
ऐसे ही और वीडियो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, उसको लाइक और फॉरवर्ड करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।